हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खोकसर के खेताराम ने बाड़मेर को दिलाया पहला महाराणा प्रताप पुरस्कार। जिले के गिड़ा पंचायत समिति के एक छोटे से गांव खोकसर निवासी और ग्रामीण क्षेत्र के साधारण खेती में कार्य करने वाले किसान परिवार से निकले और दौड़ते दौड़ते एक दिन ओलंपिक में भारत का झंडा लेकर पहुंचे और भारत का प्रतिनिधित्व कर 26वें स्थान पर रहे ओलंपियन खेताराम सियोग को आज 24 सितंबर जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में महाराणा प्रताप और गुरु विशिष्ट पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह, खेल मंत्री जेसी मोहंती, अध्यक्ष क्रीड़ा परिषद राजस्थान और नारायण सिंह, सचिव राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के कमलों द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रदान किया गया। ये महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में राजस्थान में सबसे बड़ा पुरस्कार है। बाड़मेर जिले में खेताराम ने यह पहला पुरस्कार दिलवाया है। इस महाराणा प्रताप पुरस्कार के साथ 1 लाख का चेक भी उनको दिया गया। एक छोटे से गांव के निवासी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बावजूद भी खेताराम का गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। खेताराम ने अपना प्रदर्शन सुविधाओं के अभाव में करके ओलंपिक तक पहुंचे हैं। खेताराम की पढ़ाई गांव के एक सरकारी विद्यालय से पूर्ण की। पुरस्कार मिलने के बाद खेताराम के माता जेठी देवी और पिता राणाराम सियाग से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा देश के लिए भाग रहा है, वो देश के लिए जरूर सफल होगा। हमारा आशीर्वाद है कि बेटा देश का नाम रोशन करे। इसके बाद खेताराम ने खेल मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर से मुलाकात कर अपने गांव में बड़े खेल स्टेडियम की मांग की, जिसमें सभी अलग अलग ट्रैक बन सकें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में 2000 से ऊपर सरकारी ज़मीन उपलब्ध है, फिर भी मुझे खेल स्टेडियम के लिए मायूस होना पड़ रहा है। मुझे इस बात का खेद है कि मैंने ओलंपिक का सफ़र किया है, परंतु मेरे गांव में बड़ा खेल स्टेडियम नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि सभी ग्राम पंचायतों के बीच बड़ा खेल स्टेडियम बन जाए तो मेरे जैसे कई खेताराम हमारे क्षेत्र से और आगे तैयार हो सकेंगे। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।